हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका पोकी इंडियन। तो हमने पिछली बार पोकेमोन लास्ट फायर रेड में एक भी पोकेमोन नहीं पकड़ा था, तो इस एपिसोड में हम पकड़ेंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, आज की वॉइस ओवर कैसी लगी वो भी कमेंट में लिख देना। और ये चैलेंज हमें किसने दिया है, पोकी स्टार ने। तो पोकी स्टार के आगे हम निकल गए, आज हम उनसे पहले अपलोड कर देंगे अपना एपिसोड। तो सबसे जल्दी कौन देखता है हमारे व्यूअर्स में, तो देखेंगे हम। ओके, तो फ्लैचलिंग और रोलेट अभी भी हमारे शिकंजे में नहीं आ रहे गाइस। दो बार पकड़ने का ट्राई किया लेकिन नहीं आ रहे, पोकीबॉल में आ ही नहीं रहे। तो मतलब पोकी स्टार ने कैसे पकड़ लिए मुझे भी नहीं पता। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखना, आखिर तक हम पकड़ लेंगे, 6 पोकेमोन पकड़ लेंगे। रोलेट भी अभी नहीं आ रहा है हमारे पोकेबॉल में, तो चलो फिर से एक पोकेबॉल डाल देते हैं, लेकिन अब फिर भी नहीं आ रहा है गाइस। तो अभी रन ही करना अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा पोकेबॉल बिगाड़ने नहीं चाहिए। तो अभी आगे चलते हैं और यहाँ हमारी पहले बल्बसौर को हील कर लेते हैं। बल्बसौर को हील कर लिया है, तो चलो जल्दी से इस तरफ चलते हैं, शहर में पूरा घूम लेते हैं। मुझे लगता है हमें कोई क्वेस्ट ख़त्म करना होगा, तभी हम पकड़ सकते हैं पोकेमोन को भी। तो हम क्वेस्ट ख़त्म करते हैं पहले, छोटा क्वेस्ट बाकी रह गया होगा हमसे। तो चलो गाइस, ये वीडियो आखिर तक देखना गाइस, हम एस कैचम से भी बैटल करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो चलो पहले इस लड़के से बात कर लेते हैं। ओके, तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है प्यूटर सिटी, लेकिन विरिडियन फॉरेस्ट में तुम्हें डर लगता है। ओके, तो जाओ भाई, ये स्पीरो जाने नहीं दे रहा था। और ये कह रहा है कि निक नेम देना बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और ये दादाजी से बात करते हैं। तो चलो गाइस, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप ने कहा था कि फेनेकिन को पकड़ लेना, लेकिन मैंने फेनेकिन के बदले सिंडाकविल को पकड़ा है। और ये बुड्ढा हमें सिखा रहा है कि पोकीबॉल से पोकेमोन को कैसे पकड़ते हैं। भाई मुझे पता है। ओके, इसने सिखा दिया और टैकी टीवी दिया है, टीची टीवी, मतलब ये टीच करेगा हमें कैसे पकड़ते हैं पोकेमोन। और मैं कहना चाहता हूँ कि सिंडाकविल को हमने पकड़ा है इस एपिसोड में, तो सिंडाकविल नहीं चलेगा क्या? कमेंट में लिख देना सिंडाकविल चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं तो फेनेकिन को भी आगे पकड़ लेंगे हम प्यूटर सिटी के बाद। अभी तो हम फिलहाल फ्रोकी को भी मैंने इस एपिसोड में पकड़ लिया है गाइस, और आगे चलते हैं। अभी तो हमारा पहला फ्लाइंग टाइप पोकेमोन। और ये फ्लैचलिंग भी आपको पसंद है या नहीं पसंद सब कमेंट में लिख देना कि पसंद है या नहीं। अभी टीची टीवी पर देखते हैं, लेकिन कुछ दिखा नहीं रहा। तो भी हम पोकेबॉल से ही ट्राई करेंगे, पहले कमज़ोर कर देते हैं। तो कमज़ोर तो कर लिया। और गाइस, आज का बैकग्राउंड कैसा है सब हमें बता देना। और आपके लिए गाइस, मैं एक बंद कमरे में बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ गाइस, तो आज की वॉइस कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर बता देना प्लीज़ गाइस, क्योंकि आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने बंद कमरे में रिकॉर्ड किया है ये वॉइस। ओके गाइस, तो थोड़ी तो आवाज़ बैकग्राउंड में आए ही, क्योंकि मैं सोसाइटी में रहता हूँ, बड़ी कॉलोनी में नहीं रहता, मैं सोसाइटी में रहता हूँ। ओके, रोलेट भी नहीं आ रहा है पकड़ में गाइस। तो फ्लैचलिंग तो हमने पकड़ लिया है, अभी हम रन कर लेते हैं, ज़्यादा पोकेबॉल नहीं बगाड़ने हैं हमें। तो चलो चेस्पिन पकड़ लेते हैं, चेस्पिन तो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बल्बसोर है जो ग्रास टाइप है, तो इसे पकड़ेंगे सही लेकिन पीसी में ही रख देंगे। आपका क्या ख्याल है वो आप ऑफ कोर्स कमेंट में लिख रख सकते हैं। तो फ्लैच, ओके गाइस, हमारे हाथ एक चेस्पिन लग गया है और अभी जल्दी से जल्दी। ओके, फ्रोकी आ गया है गाइस, आपका फेवरेट फ्रोकी, और मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि ये एश के पास भी था और ये वाटर टाइप है, तो काम लग सकता है आगे।
तो फ्रोकी हमारे पकड़ में आ गया गाइस। हमने क्वेस्ट पूरा कर दिया था, इसलिए वो दादाजी के पास हमें क्वेस्ट पूरा करना था। तो अभी चलो फिर से फ्रोकी आ गया गाइस, तो रन कर लेते हैं और दूसरे पोकेमोन को ढूंढते हैं। वो रोलेट को ढूंढ रहे हैं हम, तो रोलेट एक पकड़ में आ जाए तो अच्छा है, ना आए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन पीसी में रखने के काम तो लगेगा गाइस। चलिए टैकल यूज़ कर लिया है, तो अभी एक और टैकल यूज़ करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, नहीं आ रहा है तो एक और बार टैकल कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी पोकेबॉल डालते हैं। और आ गया गाइस, रोलेट को भी पकड़ लिया है हमने। तो चलो जल्दी से जल्दी अभी पोकेमोन सेंटर चलना पड़ेगा हमें, सारे पोकेमोन को हील करने में। ओके, ये फिर बीच में फ्लैचलिंग आ गया गाइस, माफ़ करना। रन कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो चलो जल्दी से पोकेमोन सेंटर नज़र, प्लीज़ हमारे पोकेमोन को हील कर दो यार, जल्दी से जल्दी हील कर दो। ओके, हील कर दिया है, चलो चलते हैं। अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे जाके, ओके यहाँ एक पोकेबॉल दिख रहा था। और अभी ये रास्ता दूसरा कौन सा है, देख लेते हैं कि यहाँ कुछ पोकेबॉल यहाँ भी हो सकता है या नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं है और ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड में कैसे जाते हैं उसकी खोज में निकला था, लेकिन मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। और एक पोकेबॉल है, और ये नॉर्मल जेम है गाइस, नॉर्मल जेम मतलब ये नॉर्मल जेम हमें काम लगता है नॉर्मल टाइप पोकेमोन की पावर बढ़ाने में। और ये फेनेकिन है जो आप कह रहे थे, लेकिन ये फेंटेड हो जाता है इसलिए मैंने नहीं पकड़ा। ये चिकोरीटा भी हम पकड़ने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा बाद में कि हमारे पास दो दो ग्रास टाइप पोकेमोन है तो चिकोरीटा का क्या करेंगे। वैसे तो चिकोरीटा बहुत क्यूट है, मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या करूँ, हमारे पास पहले से ही एक बल्बसॉर है तो उसे तो नहीं पीसी में डाल सकते, ये तो हमारा फर्स्ट पोकेमोन है ना इसलिए। तो टेलो भी मैं पकड़ने वाला था, लेकिन हमारे पास पहले से फ्लैचलिंग है तो इसलिए मैंने नहीं पकड़ा टेलो। देखिए मैंने पोकेबॉल से पकड़ने का ट्राई भी गया था, लेकिन वो नहीं आया, और इसलिए मैंने देख लिया कि फ्लैचलिंग के साथ फाइट कराता हूँ मैं और टैकल यूज़ कराता हूँ ताकि उसकी 2 SP रह जाए। लेकिन उसकी 2 SP नहीं, पूरा का पूरा फेंटेड हो गया। तो फिर से टेलो आया और फिर से टैकल यूज़ किया, और हमने फिर से लीच सीड यूज़ किया इस बार ताकि उसकी हेल्थ थोड़ी रह जाए। ओके, थोड़ी रह गई लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वाइन वेव से तो ख़त्म हो गए। ओके, तो चलो फिर से पोकेमोन हील करके आते हैं, चलो जल्दी से हील कर लेते हैं पोकेमोन को ताकि आगे बढ़ सके हम विरेडियन फॉरेस्ट में। तो नेक्स्ट टाइम जल्दी से हमारे पोकेमोन को रिस्टोर कर दीजिए, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से गाइस, तो आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ से एक हमारा आखिरी पोकेमोन, छठा पोकेमोन पकड़ लेते हैं गाइस, ढूंढते हैं दूसरा कौन आता है। और डबल पोकेमोन भी आ सकते हैं गाइस, मतलब अच्छा है भाई। और एक सिंडाक्विल आ गया गाइस, एयर टाइप में, ये कैसा रहेगा आप लिख देना कमेंट में, लिख देना, मुझे तो अच्छा लगता है गाइस, तो इसलिए मैं तो पकड़ूंगा इसे। फैनकिन को भी बाद में पकड़ लेंगे आपने कहा है तो, लेकिन प्यूटर सिटी के बाद पकड़ेंगे, तब तक हम नहीं पकड़ सकते, माफ़ करना। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हमने सिंडाक्विल को पकड़ लिया और नेम भी दे दिया है। ओके एस, हेलो ट्रेनर, कैसे हो, तुमने अभी अभी तुम्हारी जर्नी स्टार्ट की है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ये लो एक्सपीरियंस है। ओके थैंक यू एस केचम, एस केचम है गाइस, मैं भी भाई पहले टाउन से ही हूँ, तुम्हें मिलकर अच्छा लगा। चलो गाइस मुझे माफ़ करना, मैं बोल रहा था एस केचम से फाइट थी लेकिन मैं भूल गया था, फाइट तो इस रिच ट्रेनर से थी, एस ने तो हमें एक्सपीरियंस शेयर दिया था सिर्फ। तो चलो अभी जल्दी से इस रिच मैन को हरा देते हैं, लेकिन इसकी ईवी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, सैंड अटैक करते करते
हमारी सारी एक्यूरेसी फेल कर दी उसने, और बाद में भी अक्ल तो है भाई, इसलिए लीच सीड यूज़ कर दिया ताकि उसकी एनर्जी आती रहे हमें, भले हम अटैक ना करें बाद में। तो पोशन यूज़ कर लिया, ये भी अक्ल वाला है भाई, लेकिन हम बुद्धू थोड़ी है भाई, और हमें इसको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। तो जल्दी से टैकल अटैक और क्रोल अटैक कर दिया ताकि उसका अटैक ही फेल हो जाएगा इस, तो जल्दी से क्विक अटैक किया और उसने तो हमें 131 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए। ओके थैंक यू भाई। तो अभी यहाँ एक बीटल दिख रही है और दूसरी फेनक ही नहीं है गाइस, लेकिन हमारे पास 6 पोकेमोन हो चुके हैं इसलिए मैंने नहीं पकड़ा। बुरा मत मानना, बाद में पकड़ लेंगे गाइस। इस तरफ फिर से फेनक ही ना गई है गाइस। अभी आगे जल्दी से बढ़ते हैं और दूसरी फेनक ही ना गई है, रन कर लेते हैं। ओके इस लड़के से भी फाइट करनी पड़ेगी, रैटा। तो लीच सीड यूज़ कर लेते हैं ताकि ये फिर से हमारी एक्यूरेसी फिर से फेल ना कर दे और हमारी एनर्जी भी फुल रिस्टोर हो जाए। तो अभी जल्दी से टैकल यूज़ करके इसे ख़त्म कर देते हैं, और बाइट अटैक तो बहुत ही ख़तरनाक था भाई। ओके 2 HP कर दी यार। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अभी हम हील करने जाएंगे पहले से, हमारे पास पोशन तो नहीं है इसलिए हील करने ही जाना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो पहले हम रजिस्टर कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं एक्सपीरियंस शेयर को ताकि हमारी पूरी टीम, भाई मैं विरिडियन फॉरेस्ट ही जा रहा हूँ, पूरी टीम के लेवल बढ़ सके। ओके गाइस तो चलिए मैं तो हील करने चला। तो आपको अगला एपिसोड आज ही चाहिए या कल चलेगा वो भी कमेंट में लिख सकते हैं आप। ओके बाय गाइस, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाद में मिलते हैं आपको, बाय गाइस।